अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। तो रेसिपी देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और मेरे चैनल का लिंक जो है वो फेसबुक पर भी मौजूद है और टिकटॉक पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ शक्करकंदी के पराठे। तो चलें जी, मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और साथ बनाऊंगी और साथ दिखाऊंगी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा जी। तो मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ। ये मेरे पास है आटा, नॉर्मल आटा मैंने लिया, जो आप घर में यूज़ करते हैं चपाती के लिए वो वाला। और ये मैंने बड़े वाली दो शक्करकंदी बॉईल करके रख ली हैं। कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक और धनिया। धनिया मेरे पास फ्रेश नहीं था, फ्रोज़न था, तो मैंने फ्रोज़न यूज़ किया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप हरी मिर्चें नहीं है आपके पास, तो आप रेड मिर्चें जो कुटी हुई थी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें आधे गिलास से भी कम पानी चाहिए, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम शक्करकंदी में डाल देंगे ज़ीरा, नमक, हरी मिर्चें और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। धनिया, ऐसा कुकिंग ऑयल। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल करूँगी और इसे हाथ की मदद से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। हमें इसे सारा जो है आटा शामिल करके, तो इस तरह से मैंने एक ग्लव्स पहन लिया है, मैं इसे अब अच्छे से मिक्स करके गूंद लूँगी। आटा मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। आटे को 15 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना के पराठों की तैयारी करूँगी। मैंने ये देखिए इस तरह से तीन चार चार बॉल बना लिए हैं। अगर आपको बॉल बनाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो आप हाथों को या तो कुकिंग ऑयल लगा लें या तो आटे के साथ थोड़ा सा वो इसके बना लें, तो इस तरह इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये मैंने बना के रख ली है। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया। अब इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो जब तक ये गर्म होता है, तब तक हम अपने पराठे बना लेंगे। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा आटा लगा के तो इसको इन पराठे को तैयार करना है। पराठे को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसको मैंने इस तरह से ब्रश की मदद से इसको पराठे के ऊपर ऑयल लगाना है। सारे पराठे को आपने अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। इस तरह से इसको मैंने ऑयल लगा लिया है। अब मैं इस पराठे को पकने के लिए पैन में रखूँगी। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पराठा डालूँगी। ये देखें, अपने दोनों तरफ से इसको कुकिंग ऑयल लगाना है। अब मैं इसे पलट के देखूँगी। ये देखें, पराठा एक तरफ से बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और दूसरी तरफ हम दूसरे पराठे तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ जो बाकी के पराठे हैं उनको भी मैंने इसी तरह से ऑयल लगा के तैयार कर लेना है। इस तरह से दोनों तरफ आप कुकिंग ऑयल लगा लें और इजी हो जाएगा। ये देखिए, पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं दूसरा पराठा पकने के लिए पैन में रख रही हूँ। दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। ये देखें, इसको मैंने पलट लिया है, एक साइड से तैयार हो चुका है। अब मैं बाकी के पराठे भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखें जी, इस तरह से मैंने पराठे सारे तैयार कर लिए हैं। ये मैंने देख कितने सॉफ्ट हैं और कितने इजी और बहुत जल्दी बनते हैं। और ये आप अपने घर में 15 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं, इनमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर किया करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मेरा फेसबुक पे भी मेरे चैनल का लिंक मौजूद है और टिकटॉक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।